नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विठिबा विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण, जिसमें हम नवा चैप्टर जमीन, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। मगन भाई शाम का भोजन करके टेलीविज़न देखने बैठे, वहीं छोटी झील दौड़ती हुई आई। उसने कहा, दादाजी कहानी सुनाइए। बेटा, कौन सी कहानी सुननी है? दादाजी ने कहा, मुझे बहुत ही मजा आए वैसे। झील उत्साहपूर्वक बोली। अच्छा तो सुनो, कहकर दादा ने कहानी प्रारंभ किया। यहाँ हम इस चैप्टर में जमीन के बारे में जानकारी लेंगे। तो जमीन के कितने प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, उस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत में कुछ हमें कहानी दी गई है, तो उस कहानी पर हम अपना पहले कहानी हम देख लेते हैं। कहानी जो मगन भाई ने कहानी शुरुआत की थी, वह जिसमें लिखा है कि एक छोटा गांव, उसमें मगन भाई कुम्हार रहता था। वह प्रतिदिन तालाब में से मिट्टी लाता और उसमें से मटका दिया बनाता। एक दिन उसने एक छोटा मटका बनाया, उसे रंग कर रंगीन बनाया। मटका खूब अच्छा लगने लगा। उस मटके को बेचने के लिए उसे दुकान पर रखा। दूसरे दिन रमेश भाई वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने मटका देखा और तुरंत खरीद लिया। रमेश भाई के हाथ में नया और छोटा मटका देखकर उनकी लड़की बिंदिया खुशी से लोटपोट हो गई। उसने कहा, पप्पा, इस छोटे मटके से तो मैं ही पानी भरूंगी। ठीक है बेटा, रमेश भाई ने कहा। अब प्रतिदिन बिंदिया उस छोटे मटके से पानी भरती। एक दिन रखते समय यह मटका उसके हाथ से छूट गया। नीचे गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। दुखी हृदय से वह टुकड़ों को बीन कर घर के पीछे फेंक आई। अब बोल बेटा, उन टुकड़ों का क्या हुआ होगा? दादा ने कहा, मेरी जैसी लड़कियां उसकी कौड़ियां बनाकर खेलती होगी। झील बोली, तुम्हारी बात सही है। ये टुकड़े पुनः मिट्टी में मिल गए, परंतु टुकड़ों की तरह उस मिट्टी में और क्या क्या मिल जाता होगा। दादा की बात सुनकर झील दुविधा में पड़ गए। हम सब ने मिट्टी में से बनने वाले बहुत सारी चीज़ें देखी है, जैसे कि इसमें लिखा मटका हो, दिया हो, फिर गमले हो, ये सब कुछ मिट्टी में से बनता है। मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं, ये सब कुछ मिट्टी से बनता जरूर है, लेकिन मिट्टी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके लिए हमें आगे क्रियाकलाप दिया गया है। जैसे कि क्रियाकलाप एक, इसमें हमें 3 क्रियाकलाप दिए गए हैं एक ही पद्धति से करने के लिए, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से करना है। जैसे कि क्या क्रियाकलाप एक में क्या चाहिए हमें, तो कि कुदाल, गेहूँ चलने वाली चलनी, आटा चलने की चलनी, सूती महीन कपड़ा और मिट्टी का ढेला। हमें एक तो कुदाल चाहिए मिट्टी खोदने के लिए, फिर गेहूँ चलने वाली चलनी, आटा छनने वाली छलनी और सूती कपड़ा और एक मिट्टी का ढेला। अब हम करेंगे क्या, तो पहले मिट्टी का एक ढेला लीजिए, उसका बारीक चूरा कीजिए। उस चूरे को गेहूँ चलने की चलनी से चालिए। चलनी में क्या बचता है अवलोकन कीजिए तथा लिखिए। आपने अगर गेहूँ चलने वाली चलनी देखी है तो उसमें देखा होगा कि वो चलनी के जो छिद्र होते हैं, यानी कि जो चालनी होती है, वो थोड़ी बड़े कानों वाली रहती है। तो उससे होगा क्या, हमने जो मिट्टी का ढेला लिया है उसमें सिर्फ मिट्टी के अलावा बड़े कंकड़ होंगे, कचरा होगा, पत्थर होंगे, वैसे सब कुछ होगा। तो वो सब कुछ क्या होगा, चलनी से चलने पर ऊपर रह जाएगा और मिट्टी और जो छोटे कंकड़ है या जो बालू है, रेत, वो सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो वहीं ये क्रियाकलाप एक में देखिए, आपको बाजू वाले चित्र में करके भी बताया गया है कि ऊपर क्या बचता होगा और नीचे क्या बचता होगा। तो अगर हम देखेंगे तो चलनी में क्या बचा है, जो है उसमें हमें नीचे ऊपर, पहले चलनी के ऊपर क्या दिखाई देगा और चलनी के नीचे क्या गिरा होगा वो। तो चलनी के ऊपर हमें क्या दिखेगा, तो कि बड़ा कचरा, फिर उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर होंगे, वो सब कुछ हमें ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जबकि नीचे नीचे हमें छोटे पत्थर, रेत यानी कि बालू और उसके साथ मिट्टी, ये सब कुछ हमें नीचे, चलनी के नीचे देखने के लिए मिलेगा।
अब उसी जो नीचे चलने के जो नीचे गिरा है उसी पे हमें दूसरा क्रियाकलाप करना है, जिसमें लिखा गया है कि चाला हुआ चूरा को नीचे गिरा है उसे उस चूरे को आटा चालने वाली चलनी से चालिए। चलनी में क्या बचा है अवलोकन कीजिए। चलनी में बचे हुए घटक को अलग रखिए। अब चलनी वाली यानी कि आटा चलने वाली छलनी से अगर हम चालेंगे तो क्या होगा, चलने पर ऊपर जो छोटे पत्थर थे या फिर जो छोटा मोटा कचरा था वो सब कुछ ऊपर रह गया होगा, और एकदम बारीक पत्थर यानी कि छोटे एकदम वो पत्थर रेत जैसे एकदम वो पत्थर और मिट्टी वो दोनों चलनी से चल के नीचे चले गए होंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो चलनी में क्या बचा और चलनी के नीचे क्या बचा, तो मैंने आपको बता दिया। चलनी के ऊपर क्या होगा, जो छोटे पत्थर थे वो रह गया होगा, जो छोटा छोटा सा कचरा होगा वो भी रह गया होगा, जबकि नीचे तो के एकदम पतली सी रेत यानी कि रेत और मिट्टी ये दो चीजें हमें नीचे जाए ही मिलेगी। उसके बाद क्रियाकलाप 3 में हमें उसी मिट्टी को यानी कि जो चलने के चलने से जो नीचे बचा था उसी मिट्टी को हमें लेकर सूती कपड़े में छानना है। वहीं पे लिखा है देखो क्रियाकलाप 3 में कि दूसरी बार चाली गई मिट्टी को सूती कपड़े के टुकड़े में लेकर धीरे धीरे चालिए। कपड़े पर क्या बचता है, नीचे चाले गए घटक का अवलोकन कीजिए तथा लिखिए। कपड़े पर बचे हुए तथा नीचे गए घटकों को अलग अलग रखिए। अब जब सूती कपड़े से हम छानेंगे तो मिट्टी के जो थोड़े भी कण होंगे वो हमें कपड़े के ऊपर बच जाएंगे, जबकि कपड़े के नीचे क्या मिलेगा, एकदम मुलायम मिट्टी यानी कि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी, सिर्फ मिट्टी, उसके अलावा उसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा, वो हमें कपड़े के नीचे भाग में दिखेगा। अब अवलोकन लिखा है कि पहली बार दूसरी बार तथा तीसरी बार चाले गए तथा चलने पर बचे हुए घटकों का अवलोकन कीजिए। जब हमने तीनों अवलोकन किए उसमें पहले चलने पे यानी कि गेहूं चलने वाली चलनी पे हमें बड़े पत्थर कचरा वो सब कुछ निकल गया, दूसरी बार चलने पर हमें उसमें से छोटे पत्थर या थोड़े जो रेत जैसे कण थे वो निकल गए, छोटा जो कचरा होगा वो निकल गया, और तीसरी बार चलने पर यानी कि सूती कपड़े पर छानने पर हमें एकदम पतली मुलायम मिट्टी मिली, उसके अंदर एक भी मिट्टी का ढेला या कुछ रहा नहीं होगा, कण मिट्टी के उसमें एकदम मुलायम मिट्टी ही नीचे रही होगी। ये हमने 3 अवलोकन के द्वारा जाना कि हमारे मिट्टी में क्या क्या हो सकता है। अब ये सोचकर कहिए मिट्टी को विभिन्न प्रकार से चलने पर कौन कौन से घटक दिखाई देंगे। मैंने कहा उस हिसाब से बड़े पत्थर कचरा होगा उसके अंदर, या फिर जो जमीन से हमने लिया है उसमें किसी पेड़ पौधों का जो जड़ें होती वो होगी तो वो भी निकलेगा, या कचरा होगा वो निकलेगा, उसके बाद बड़े पत्थर होंगे छोटे पत्थर होंगे रेत होगी, ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिला। क्या मिट्टी में इसके अतिरिक्त दूसरे घटक हो सकते अगर कुछ मिट्टी में हमें देखते हैं तो कहीं से कचरा मिल गया, कहीं से पशु पक्षी के मलमूत्र होते हैं, फिर जैविक अजैविक घटक भी होते, उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे ही। विभिन्न घटकों के अनुपात से मिट्टी की स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही मिट्टी में घटक होंगे यानी कि जिस प्रकार की मिट्टी होगी उसमें अलग अलग प्रकार से हम परिस्थिति या मिट्टी में फर्क पड़ता है, उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। अब हमारे पास है क्रियाकलाप 4। अब इस क्रियाकलाप से हम ये जानेंगे कि मिट्टी के अंदर नमी होती है यानी कि पानी होता है। अब इस क्रियाकलाप के द्वारा हम जानते हैं, पहले हम क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप 4 उसमें लिखा गया है कि क्या चाहिए, तो पहले उस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली चाहिए, कांच का पारदर्शी गिलास, कुदाल, मिट्टी का ढेला और पानी और धागा, ये हमें चीज़ें चाहिए। अब करना क्या है, तो हम पास के खेत में से कुदाल से 1-1 फुट नीचे खोदकर मिट्टी के 3-4 ढेले लाएंगे। एक दो ढेलों को प्लास्टिक की थैली में रखकर थैली के मुंह को धागे से बांध दीजिए। अब उसे थैली को कुछ समय तक धूप में रखिए। कुछ समय बाद वर्गखंड में लाकर उसका अवलोकन कीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले हम इस क्रियाकलाप को जरा देख लेते, समझ लेते। अगर हम
इसमें जो लिखा है उस हिसाब से खेत से मिट्टी लानी है, लेकिन एकाध दो फुट खोदने के बाद, क्यों? क्योंकि अगर आपने मिट्टी देखी है खेतों में, अगर मिट्टी ऐसी ही पड़ी है अगर आपने देखा, तो ऊपर की मिट्टी सख्त हो जाती है और सूखी दिखती। जब हम उसको खोद कर नीचे से मिट्टी लेते हैं, एक आध दो फोट कर आप नीचे से मिट्टी को हाथ लगाओगे तो वो थोड़ी आपको गीली लगेगी, यानी नमी वाली लगेगी। तो वो ऐसा क्यों होता है उसी के बारे में है। तो ऊपर की सतह तो कोरी हो गई है यानी कि सूखी दिखती है आपको, लेकिन जब उसको हम खोद कर नीचे से मिट्टी निकालेंगे एक आध दो फोल्ड कर रहे, तो मिट्टी में थोड़ी सी नमी दिखेगी। अब उस मिट्टी को लेकर अगर हम प्लास्टिक की थैली में बंद कर देंगे और उसको धूप में छोड़ देंगे, तो होगा क्या कि जैसे ही सूर्य प्रकाश की गर्मी उसको लगेगी, तो उस गर्मी से मिट्टी के अंदर रहे पानी के कण, यानी कि पानी जो नमी के रूप में उसके अंदर है, वो क्या होगा, वो छूट कर अपने आप ऊपर आएगा। अगर उसके लिए आपको एक सरल से एग्जाम्पल दूँ, तो हम अगर कोई भी बर्तन में पानी रख कर उसको गैस पे गर्म करने रखते हैं, तो होता क्या है, अगर हमने ऊपर ढक्कन रख दिया है तो क्या होगा, जैसे ही पानी गर्म होगा उसकी ढक्कन के आप ऊपर देखोगे तो हमें पानी की कुछ बूंदें दिखाई देगी। वैसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी गर्म हुआ, पानी में से भाप निकली और भाप ऊपर जाने की वजह से ऊपर जो पानी है यानी जो ढक्कन रखा है उसमें भाप के रूप में पानी गया, तो वो क्या हो गया, बूंदे बन गई। वैसे ही सेम इसमें भी होगा कि जैसे ही हम मिट्टी के ढेले को लेकर उसको पानी उसको बंद कर देंगे, प्लास्टिक की थैली में रख कर उसका मुंह बंद कर दिया है, तो जैसे ही वो धूप में मिट्टी गर्म हुई, तो क्या हुआ, उसमें से जो नमी के रूप में पानी था वो ऊपर जाने की कोशिश की भाप के रूप में, लेकिन ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं था क्योंकि हमने प्लास्टिक की थैली को बंद किया हुआ था। तो क्या हुआ, ऊपर यानी कि प्लास्टिक की थैली के ऊपर वाले हिस्से में हमें वहाँ पे पानी की बूंदें दिखाई देगा, यानी कि मिट्टी के अंदर नमी के रूप में पानी भी होता है। इस अवलोकन से हमें यही जानने के लिए मिलता है कि मिट्टी में नमी के रूप में पानी रहता है, जिसके कारण हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं या जो खेत में बोया हुआ अनाज होता है उसको पानी मिल जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें पानी मिट्टी में अंदर से होती है और उसको मिट्टी के अंदर वाले हिस्से में जो नमी के रूप में पानी है वो मिल जाता है, इसीलिए हमारे पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है। इस अवलोकन के द्वारा हम वही सिद्ध कर रहे हैं। फिर है क्रियाकलाप 5, जिसमें ये बताया गया है कि पानी के अंदर हवा भी होती है। वो कैसे साबित करना है, तो उसके लिए देखिए क्रियाकलाप 5, पारदर्शी कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए। अब मिट्टी का एक ढेला लेकर इस गिलास में डुबोइए, क्या होता है उसका अवलोकन कीजिए। कहाँ देखा, तो कोई पारदर्शी गिलास में पानी के अंदर ढेले के अलग अलग अगल बगल तथा ऊपर देखिए, देखने पर क्या मिला, तो अगर आप पानी में मिट्टी का ढेला डालोगे तो पानी में से आपको बुलबुले होते हुए दिखाई देंगे। वैसा क्यों होगा, होगा क्योंकि पानी के मिट्टी में जो पानी है उसके साथ साथ उसके अंदर हवा भी होती है। अगर आपने कभी भी गमले में और वहाँ पे अगर आपने पानी डालते हुए देखा होगा, तो गमले में अगर आप पानी डालते हो ना, तो ऊपर आपको बुलबुले होते हुए दिखाई देते हैं। वैसा क्यों होता है, क्योंकि जो जमीन है यानी कि जो मिट्टी है उसके अंदर हवा भी रहती है, और वो हवा जब पानी जाने की वजह से वो ऊपर आती है और उसके लिए हमें बुलबुले होते हुए दिखाई देते हैं। तो यही चीज़ हमें क्रियाकलाप 5 के अवलोकन में, यानी कि क्रियाकलाप 5 करने पर यही पता चलता है कि मिट्टी में हवा भी होती है। अब नीचे लिखा है याद कीजिए और लिखिए, जमीन को खोदने पर उसमें से क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है जमीन को खोदने से, तो उसमें से मिट्टी मिलेगी, पेड़ पौधों की जड़े मिलेगी, फिर कुछ कचरा भी मिलेगा और मिट्टी के साथ साथ हमें रेत और वो सब कुछ भी मिलेगा। उसके साथ दूसरा सवाल था, जमीन के अंदर कौन कौन से जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जमीन के अंदर हमें कीड़े मकोड़े होंगे, फिर कुछ छोटे बड़े जीव जंतु देखने के लिए मिलते हैं, जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे जमीन के लिए जरूरी भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी जमीन को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, यानी कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े जैसे जीव जंतु भी देखने के लिए मिलेंगे।
उसके बाद है जमीन के किन किन घटकों को अलग देख सकते हैं। जमीन के अंदर बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी घटक होते हैं जो जमीन के अंदर हम होते जरूर है लेकिन हम देख नहीं सकते। हम किन किन घटकों को देख पाएंगे? जो होंगे वो जैसे कि पत्थर, बालू, फिर पत्ते होंगे वनस्पतियों के या वनस्पति की जड़ें होगी, फिर पंख होंगे किसी पक्षी के पंख होंगे, वैसे घटक ही हम देख सकेंगे। अब हमें नीचे दो अलग अलग प्रकार के घटक दिए गए हैं, जैसे कि जैविक घटक और अजैविक घटक। दो प्रकार के घटक हमारे जमीन में होते हैं। तो जैविक घटक किसे बोलते हैं? जैसे कि पत्ते, पंख में सजीवों के अंश देखने को मिलते हैं। जैसे सजीवों से जुड़े हुए जो अंश देखने के लिए मिलते हैं उसे हम जैविक घटक कहते हैं। मिट्टी के अंदर दो प्रकार के मेन घटक मिलते हैं, एक जैविक घटक और दूसरे होते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक यानी कि सजीवों के अंश। अब वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पत्ते, पंख, या फिर उसके अलावा पशु पक्षी के मलमूत्र, और उसे में पशु पक्षी अगर मर गए और उसको जमीन में गाड़ दिया है तो उसके भी अंश हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो वो सब कुछ हमें जैविक घटक में गिनती होती है उसकी। और जैसे कि अजैविक घटक, अजैविक घटक यानी कि बालू, पत्थर, मिट्टी वगैरह जो निर्जीव के अंश होते हैं उसको हम कहते हैं अजैविक घटक। अब मिट्टी के घटकों के बारे में लिखना है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या होंगे? तो के पत्ते, जैसे कि वनस्पतियों के पत्ते हो, फिर पंख हो, फिर पशु पक्षी के मृतदेह हो, पशु पक्षी का मलमूत्र है, वो सब कुछ हमें जैविक घटक में देखने के लिए मिलेगा। जबकि अजैविक घटक में हमें बालू, पत्थर, मिट्टी, रेत, वो सब कुछ देखने के लिए मिलता है, वो सारे हमारे अजैविक घटक हैं। अब उसके बाद है कि मिट्टी के अंदर और कौन कौन से घटक मिल सकते हैं, तो वो है, देखिए लिखा है, यह भी जानिए कि संगमरमर, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम, चूना, खनिज तेल। खनिज तेल में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस इत्यादि जमीन में से मिलते हैं। क्या आपके नज़दीकी कहीं ये मिलते हैं? हमारे नज़दीक तो कहीं पे मिलते होंगे, कहीं पे नहीं, लेकिन जमीन से ही हमें ये सब कुछ चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। जैसे कि हमारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या गैस है, वो भी हमें जमीन में से ही, कहीं से आपने सुना होगा कि यहाँ से पेट्रोलियम निकला है, तो पेट्रोलियम के रूप में ये सारी चीज़ें साथ में ही होती है, जिसको रिफाइन करके फिर अलग किया जाता है। जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या गैस, उसको अलग किया जाता है, लेकिन वो उसका मेन हमें मिलता कहाँ से? जमीन से ही प्राप्त होता है। यानी कि सारे खनिज तेल हमें जमीन में से ही मिलते हैं। फिर संगमरमर आपने सुना है, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम, ये सारी धातु है या फिर जो भी है, वो सारी चीज़ें भी हमें जमीन में से ही मिलती है। उसके साथ है सोना, चांदी, पारा, तांबा, लोहा जैसी धातुएं भी जमीन से ही मिलती है। ये कहाँ से मिलती है उससे जानिए। हमारे देश में भी कहीं ऐसी कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे खुद काम करने पे अगर हमें कोयले की खान मिली है, तो वहाँ से कोयले का जो होता है वो ऐसा जो आपने कोयला देखा वैसा नहीं होगा, लेकिन वो मिट्टी के साथ बहुत सारे तत्वों के साथ मिला होगा, जिसको रिफाइंड करके उसको अलग किया जाए। वैसे ही अलग अलग प्रकार की धातुएं भी हमारे जमीन में से मिलती है। कहीं कहीं से ऐसा होता है कि वहाँ से ये धातुएं मिलती है खोद काम करने के दौरान, यानी कि जमीन को खोदने पर वहाँ से ऐसी धातुएं निकलती है, लेकिन उस धातु में ऐसा ही नहीं होगा, वो प्योर सोना ही होगा या चांदी। वो धातुएं सब कुछ मिक्स मिलेगी, उसको रिफाइन करके उसमें से सोना, चांदी, पारा, तांबा, लोहा, ये सब कुछ अलग किए जाते हैं। वैसी भी धातुएं हमारे जमीन में से ही मिलती हैं। अब हमें कुछ अवलोकन करने के लिए बोला गया है। जैसे कि हमने जो जमीन के बारे में बात की, तो जमीन अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मिलती है। यानी कि आपके यहाँ भी विभिन्न जगहों की जमीन का नमूना लेना है, तो जैसे कि नदी नाला हो, तालाब, खेत, टेकरी वाला खेत और बाग, ये सब जगह पे अगर आप देखो तो जमीन का रंग अलग होगा, जमीन के अंदर जो कंकड़ की मात्रा होगी वो भी अलग होगी, बालू की मात्रा अलग होगी, मिट्टी की मात्रा भी अलग होगी, कांप की मात्रा, जैविक घटकों की मात्रा और घटकों के आधार पर जमीन के प्रकार। जमीन हमारी इस पूरे उसमें यही बताया गया कि जमीन कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, बालुई, मटियार और दोमट। उसके साथ साथ मिट्टी के अंदर जो अलग अलग चीज़ों की मात्रा है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है, उसी के बारे में अब हम जानकारी लेंगे।
जमीन का रंग नदी नाले में हमें काली दिखाई देगी, फिर वैसे ही अगर तालाब में भी आपको काली दिखाई देती है, जमीन का रंग काला दिखाई देता है, खेत में काली भी होती है और बादामी भी होती है जैसे कि काली, फिर टेकरी वाला खेत में हमें बादामी देखने के लिए मिलेगी और बाग में हमें लाल बादामी दोनों रंग की देखने को मिल सकती है। फिर है कंकड़ की मात्रा। कंकड़ की मात्रा अगर हम नदी नाले में देखेंगे तो वो अधिक मिलता है, तालाब में मध्यम, खेत में कम, टेकरी वाले खेत में मध्यम। कुछ कक्कड़ भी देखने के लिए मिलते हैं और कुछ नहीं भी, और बाग में हमें कम मात्रा में कक्कड़ देखने के लिए मिलते होंगे। फिर बालू की मात्रा। बालू की मात्रा नदी नाले में हमें अधिक देखने के लिए मिलती है, यानी कि रेत की मात्रा। फिर तालाब में भी हमें मध्यम देखने के लिए मिलेगी। फिर हमारा है खेत, तो खेत में कम दिखाई देगी, टेकरी वाले खेत में भी हमें कम, और तालाब में बाग बगीचे में भी हमें कम मात्रा में बालू की मात्रा मिलेगी। मिट्टी की मात्रा हमें नदी नालों में कम, तालाब में भी कम, फिर खेत में अधिक, टेकरी वाले खेत में भी मिट्टी की मात्रा अधिक होगी, और जबकि बाग में भी मिट्टी की मात्रा अधिक होगी। उसी तरह कांप की मात्रा। कांप की मात्रा अगर हम देखेंगे तो नदी नाले में हमें अधिक देखने की मिलेगी, फिर जो तालाब है उसमें भी अधिक, खेत में मध्यम, टेकरी वाले खेत में भी कम, और वहाँ पे भी हमें बाग में भी मध्यम सी देखने के लिए मिलेगी। जैविक घटकों की मात्रा। जैविक घटकों की मात्रा हमारे जो नदी नाले है उसमें अधिक मात्रा में मिलेगी, खेत में भी अधिक मिलेगी, जो हमारे खेत है उसमें मध्यम, बाग में भी मध्यम, और जो बाग है उसमें थोड़ा कम। घटकों के आधार पर जमीन के प्रकार। नदी नालों की जो जमीन होगी वो दोमट प्रकार की होगी, तालाब की भी जमीन दोमट प्रकार की होगी, खेत की जमीन मटियार होगी, और जो हमारे खेत टेकरी वाला खेत है वहाँ पे भी मटियार होगी, बाग बगीचे में भी मटियार होगी। इस तरीके से हमने जमीन में होने वाले अलग अलग घटकों, अलग अलग चीज़ों की मात्रा देखी। उसके साथ अब हम आगे जानेंगे कि जमीन के रंग के अनुसार और जमीन के घटकों के अनुसार जमीन के प्रकार। रंग के अनुसार जमीन के प्रकार। सामान्यतः जिस रंग की जमीन होती है उस पर से जमीन का प्रकार निश्चित किया जाता है। यदि जमीन लाल रंग की हो तो उसे लाल, और काले रंग की हो तो उसे काली, तथा बादामी रंग की हो तो उसे बादामी रंग के रूप में जाना जाता है। पहले भाग में ये बताया गया है कि जमीन के जो प्रकार है वो दो हिसाब से हो सकते हैं, एक तो उसके रंग के हिसाब से और दूसरा होता है उसके अंदर रहने वाले घटकों के हिसाब से। तो जो जमीन के रंग के अनुसार उसके प्रकार पड़ते हैं वो होती है एक लाल मिट्टी, काली मिट्टी और बादामी रंग की मिट्टी। ये तीन प्रकार की मिट्टी देखने के लिए मिलती है। आपने भी देखी होगी काली मिट्टी, लाल मिट्टी और बादामी रंग, यानी लाल काली तथा बादामी भी उसको कह सकते हैं, काली भी नहीं और बादामी भी नहीं, ऐसी होती है। तो ये तीन रंग के अनुसार होती है। जबकि जमीन के अंदर जो घटक है उसके अनुसार, यानी कि उपस्थित घटकों के अनुसार जमीन के प्रकार, उसके अंदर जो घटक है उसके अनुसार जमीन के प्रकार तीन प्रकार के है, बलुई जमीन, चिकनी जमीन और दोमट जमीन। बलुई जमीन, जिस जमीन में बालू की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे बलुई जमीन कहते हैं। ऐसी जमीन के कण तुरंत अलग हो जाते हैं, बरसात के बाद ऐसी जमीन तुरंत सूख जाती है। बलुई जमीन यानी कि रेत वाली जमीन, जिसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जब भी उसमें पानी, बरसात के बाद ऐसी जमीन तुरंत सूखी हो जाती है, यानी कि उसमें जितना भी पानी आप डालोगे वो पानी सीधा जमीन में नीचे उतर जाएगा और ऊपर की जमीन तुरंत ही सूखी हो जाएगी, और उसके जमीन के कण तुरंत अलग हो जाते हैं, यानी जमीन एकदम अलग अलग आपके बिखरे हुए कण, क्योंकि इसके अंदर रेत होती है, इसीलिए
कि वो जमीन क्या होती है, तुरंत सूख जाती है, उसके अंदर जो भी आप पानी डालते हो वो तुरंत नीचे उतर जाता है, ऐसा रहता है, उसको कहते हैं बलुई जमीन। आपने रेत में देखा ही होगा कि अगर रेत में कितना भी पानी डालो वो तुरंत नीचे सोख लेगा और ऊपर सूखी सूखी सी रेत ही दिखेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है। वैसे ही दूसरा है चिकनी जमीन। जिस जमीन में मिट्टी का अनुपात सबसे अधिक होता है उसे चिकनी जमीन कहते हैं। बरसात पड़ने पर ऐसी जमीन चिकनी तथा फिसलने वाली बन जाती है। बिना नमी के मौसम में यह जमीन एकदम कठोर हो जाती है तथा इसमें दरारें पड़ जाती हैं। चिकनी जमीन यानी ऐसी जमीन जिसमें मिट्टी की मात्रा अधिक हो, यानी कि रेत और दूसरे पदार्थों की मात्रा कम हो। मिट्टी जब अधिक मात्रा में होती है वैसी जमीन में क्या होता है कि जब वो बरसात ज्यादा पड़ता है तो वो बरसात की मौसम में फिसलने वाली, यानी कि चिकनी मिट्टी होने के कारण वो फिसलने वाली बन जाती है। और बिना नमी के मौसम में यानी कि बिना बरसात वाले मौसम में उस जमीन एकदम कठोर हो जाती है। आप अगर देखोगे तो वो जमीन एकदम कठोर सी लगेगी और उसमें कहीं कहीं पे दरारें हो जाती है। ऐसी जमीन को चिकनी जमीन कहते हैं। तीसरी है दोमट जमीन। जिस जमीन में कांप या सेंद्रिय पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसे दोमट जमीन कहते हैं। दोमट जमीन उपजाऊ होती है। दोमट जमीन यानी कि कांप वाली जमीन, यानी कि जो नदी के बहाव के साथ जो नदी जब बहती है तो उसके आसपास की जो जमीन रहती है तो वो जो जमीन होती है वो कांप या सेंद्रिय पदार्थों की मात्रा में उसमें अधिक पाया जाता है। इसीलिए नदी नालों के आसपास जो भी नदी के आसपास जो भी खेत रहते हैं उसमें वो ज्यादा उपजाऊ होते। क्यों? क्योंकि उसकी जमीन में कांप की मात्रा और सेंद्रिय पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उसको दोमट जमीन कहते हैं, जिसमें कांप या सेंद्रिय पदार्थों की मात्रा अधिक हो। और वो कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी? नदी के आसपास। पढ़िए और लिखिए, जमीन के कौन कौन से प्रकार है? जमीन के तीन प्रकार, एक बलुई जमीन, चिकनी जमीन दूसरा, और तीसरा है दोमट जमीन। किस प्रकार की जमीन पर बरसात पड़ने के तुरंत बाद पानी नहीं दिखाई देता? किस जमीन में हमें बरसात पड़ने के बाद तुरंत पानी नहीं दिखाई देगा? वो है हमारी बलुई जमीन। दिखाए बरसात के बाद जमीन तुरंत सूख जाती है, ऐसी जमीन में हमें पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बरसात पड़ने पर किस प्रकार की जमीन चिकनी तथा फिसलने वाली बन जाती है? हमने देखा उस हिसाब से चिकनी जमीन में हमें बरसात पड़ने पर फिसलने वाली और चिकनी बन जाती है। जबकि किस प्रकार की जमीन को सबसे अधिक उपजाऊ कहा जाता है? तो उसमें आएगा दोमट जमीन। दोमट जमीन उपजाऊ होती है, दोमट जमीन उपजाऊ होती है, इसलिए दोमट जमीन इसका जवाब है। फिर है क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 के दौरान हम यही जानेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार की जमीन में कितना पानी सूखता है। क्या है वही देखिए अब आगे। क्रियाकलाप 6 में क्या चाहिए? क्रियाकलाप 6 करने के लिए हमें चाहिए 3 पारदर्शी बरनी, 3 प्लास्टिक या कांच के कीप, सूती कपड़े के 3 टुकड़े, पानी, बलुई चिकनी और दोमट जमीन का नमूना। इसमें आपको चित्र में दिखाया गया उस हिसाब से बलुई जमीन, चिकनी जमीन और दोमट जमीन 3 अलग अलग बरनियों में पहले किया गया है, बरनी ली है, उसके ऊपर जो ये कीप दिखाई दी है, ये जो आपको कीप दिखाई दे रही है उसके अंदर रबर से उसको क्लियर कर दिया है और उसके अंदर फिर वो दो 3 प्रकार की जमीन के नमूने डाले गए। इस वाली में बलुई, इसमें चिकनी और इसमें दोमट। फिर उसमें से क्या किया है कि ऊपर से पानी डाला गया है। यहां से हम अगर उसमें पानी डालेंगे, तीनों में एक ही समान डालेंगे, देखिए नीचे लिखा है उस हिसाब से क्या करेंगे। बलुई, चिकनी और दोमट जमीन के नमूने लीजिए, आर पर देखा जा सके ऐसी 3 समान बरनी लीजिए। एक बरनी पर बलुई जमीन, दूसरी बरनी पर चिकनी और तीसरी बरनी पर दोमट जमीन के चिट चिपकाइए। प्रत्येक बरनी पर एक एक कीप समायोजित करके उनमें सूती कपड़ा भिगोकर रखिए। बरनी पर लिखे नाम के अनुसार समान मात्रा में जमीन का नमूना लेकर कीप पर रखिए। मैंने कहा उसी हिसाब से ऊपर हमें कीप पे वो जमीन के प्रकार के नाम लिखे, उस हिसाब से हमें वहां पे वो जमीन के थोड़े
एक ही मात्रा में वह जमीन के नमूने भरने हैं। पहले में हमने बलुई जमीन भरी है, दूसरे में चिकनी और तीसरे में दोमट जमीन। अब प्रत्येक किप में समान आयतन यानी कि एक लोटा पानी गिराई, सभी में एक ही समान एक ही जितना पानी डालना है। अगर मैं तीनों में एक ही लोटा पानी डालूंगी, जिसमें इस हिसाब से कहा गया उसी उस के हिसाब से कि तीनों में एक लोटा हम पानी डालेंगे, तो फिर उसका अवलोकन करना है। अवलोकन करने पे आपको पता चलेगा। देखिए चित्र में दिखाया गया उसी हिसाब से बलुई जमीन में नीचे बरनी में जो पानी की मात्रा है वो अधिक है। क्यों? क्योंकि वो बलुई जमीन है, वो उसके अंदर पानी शोषित करके नहीं रखती है, और जितना भी पानी हमने डाला होगा वो पूरे का पूरा बरनी में हमें नीचे दिखाई देता है, यानी कि वो पूरे का पूरा पानी नीचे आ गया। जबकि दूसरी जो चिकनी जमीन है उसमें बलुई जमीन से कम पानी है, यानी कि चिकनी जमीन में जो ऊपर जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सी नमी के रूप में पानी को शोषित करके रखा है, बाकी जो ज़्यादा पानी था वही नीचे आया है। जबकि दोमट जमीन तीसरे बीकर में यानी कि तीसरी बरनी में देखिए, तो दोमट जमीन में सबसे कम पानी नीचे निथर का है, यानी कि उसमें पानी को शोषित करके अपने पास संग्रहित करने की क्षमता अधिक है। वही चीज़ हमें अवलोकन में भी करनी है। अवलोकन में वही चीज़ें की गई है कि अवलोकन सही विकल्प के सामने सही का निशान करिए। अब देखिए पानी उतरने की गति बलुई जमीन में कौन सी होगी? तेज। चिकनी जमीन में मध्यम और दोमट जमीन में मंद, यानी कि सबसे कम गति से पानी नीचे उतरा होगा। बरनी में पानी का स्तर बलुई जमीन में बरनी में पानी का स्तर कैसा है? अधिक। जबकि चिकनी जमीन में मध्यम और दोमट जमीन में कम। किप पर मिट्टी में संचित पानी, जो किप पे ऊपर हमने मिट्टी रखी है वहाँ पे पानी की संचित यानी कि पानी को कितना संग्रहित करके रखा होगा, वो बलुई जमीन में आपने देखा एकदम कम मात्रा में उसमें शोषित करके रखा होगा, चिकनी जमीन में मध्यम, और जबकि दोमट जमीन में सबसे ज़्यादा पानी शोषित करके रखा होगा। तो ये आपका अवलोकन है जो हमने ऊपर चित्र में देखा, उस हिसाब से यही अवलोकन निकलता है। जमीन की अधिक समय तक पानी संग्रह करके रखने की क्षमता को नमी धारण क्षमता कहते हैं, जबकि जमीन की पानी मुक्त कर देने की क्षमता को नितारण क्षमता कहते हैं। अलग अलग जमीन के नमी धारण क्षमता तथा नितारण क्षमता अलग अलग होती है। ये चीज हमें क्रियाकलाप 6 पर से जानने के लिए मिलती ही है कि जो जमीन सबसे ज्यादा पानी संग्रह करके रख सकती है उस क्षमता को क्या कहेंगे? नमी धारण क्षमता, यानी कि पानी अपने अंदर संग्रहित करके रखने की ज्यादा देर तक जो पानी संग्रह करके रख सकता है उस जमीन को हम कह सकते हैं नमी धारण क्षमता। और जबकि जो पानी जमीन में से जल्दी ही मुक्त हो जाता है वैसी वाली जमीन को हम कह सकते हैं नितारण क्षमता कहते हैं, यानी कि जो जमीन पानी अपने अंदर से जल्दी छोड़ देती है उस क्षमता को कहते हैं नितारण क्षमता। अलग अलग जमीन की नमी धारण क्षमता तथा नितारण क्षमता अलग अलग होती है। सोचकर कहिए, उसमें आपको 3 सवाल दिए गए हैं कि बलुई जमीन में पानी क्यों शीघ्रता से उतर जाता है, बलुई जमीन में पानी शीघ्रता से नीचे इसलिए उतर जाता है क्योंकि बलुई जमीन में रेत की मात्रा अधिक होती है जो पानी को अपने अंदर संग्रहित नहीं करती है, इसीलिए उसकी नितारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए बलुई जमीन में पानी शीघ्रता से नीचे उतर जाता है। दूसरा सवाल है, चिकनी जमीन में पानी क्यों धीरे धीरे उतरता है? चिकनी जमीन में मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी की मात्रा अधिक होने के कारण वो अपने अंदर पानी संग्रहित करने की क्षमता ज्यादा रखता है, यानी कि उसके अंदर नमी धारण क्षमता ज्यादा होती है, इसीलिए जमीन पानी धीरे धीरे नीचे उतरता है, यानी कि जमीन में से चिकनी जमीन में से पानी धीमे धीमे करके नीचे उतरता है, इसीलिए उसको उसमें हमें ज़्यादा समय तक पानी संग्रह करके रख सकता है जो हमारे पेड़ पौधों को पानी पहुंचाने में मदद करता है। फिर है, दोमट जमीन में पानी क्यों अधिक संचित होता है? दोमट जमीन में काप की मात्रा और सेंद्रिय पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण वो अपने अंदर पानी ज़्यादा समय तक संग्रहित कर सकता है।
अब उस आधार पे हमें रंग भरिए, यानी कि तीन चीजें दी गई है उसके हिसाब से हमें रंग भरने हैं। यहाँ दिए गए वृत्त के प्रत्येक भाग में अपने पसंद के विभिन्न रंग भरिए। यहाँ बताए गए विभिन्न घटकों के अनुपात के आधार पर जमीन के प्रकार दर्शाई। चित्र के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प पर सही का निशान कीजिए, जिसमें ज्यादा बालू, पहला जो हमारा वृत्त है उसमें बालू की मात्रा हमें सबसे अधिक दिखाई गई है यहाँ, इसीलिए ये कौन सी जमीन हुई? बलुई। जबकि दूसरे चित्र में, दूसरे वृत्त में हमें कांप की मात्रा अधिक दी है। कांप की मात्रा किस जमीन में अधिक होती है? दोमट। वैसे ही तीसरा, जिसमें जिस चित्र में मिट्टी की मात्रा, यानी कि मिट्टी की मात्रा अधिक है, तो यो कौन सी मिट्टी हुई? चिकनी। इस प्रकार से उसमें अलग अलग रंग भरने हैं और जो चित्र दिए गए उस हिसाब से मैंने उसके वृत्त के अलग अलग भाग आपको बता दिए। यानी कि ये मिट्टी कौन सी है वो किस प्रकार से पता चलेगा? तो उसमें जिस चीज की मात्रा अधिक होगी उस हिसाब से पता चलेगा। जो पहली है वो बालू की मात्रा अधिक है, यानी कि वो बलुई जमीन है। दूसरा जो है उसमें कांप की मात्रा अधिक है, इसलिए वो दोमट जमीन। और तीसरी है कि उसमें मिट्टी की मात्रा अधिक है, इसीलिए वो चिकनी मिट्टी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 जमीन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आगे के अलग दूसरे वीडियो में चैप्टर नंबर 10 दिन रात के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे अनेबल कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।